अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? सब कैसे हैं? ठीक ठाक। आज मैं सीख कबाब बनाने की तरकीब आप लोगों को बताऊंगी और घर में हम लोग ये सीख कबाब किस तरह बना सकते हैं, इसलिए टाइम भी सेफ और साफ़ सुथरे और बाहर से कितने चीप पड़ते हैं। ये देखिए, मेरे पास 1 किलो कीमा है चर्बी वाला और बीफ कीमा 1 किलो चर्बी वाला, 1 कप प्याज चॉप किया हुआ, फाइन चॉप किया हुआ है, और ये हल्दी, सुरख मिर्च, धनिया, गरम मसाला है, धनिया और गरम मसाला 1-1 चम्मच, सुरख मिर्च और हल्दी छोटी चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, जीरा 1/2 चाय का चम्मच, दलहरा मिर्च 1 चम्मच चाय का, नमक आप हसबे ज़रूरत अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 ब्रेड पीस लिए हैं, इससे कीमा जो कबाब होते हैं बड़े अच्छे सॉफ्ट बनते हैं, और ये है अदरक लहसुन और सबस मिर्च का पेस्ट। ये सारी चीज़ें आप मैं इसमें डाल दूँगी बारी बारी। कबाब बड़े सॉफ्ट बनते हैं। बस किचनेट की मशीन है, मैं इसमें कीमा पीसती हूँ। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 10 से 15 मिनट इसको तकरीबन हाथ पे आप मैश कर लें। ये देखिए, मैं सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया और ये तकरीबन अच्छी तरह मैश कर लेंगे। इतना कीमा पीसना है जिसके आप लच्छे बना रहे हैं, तो आप हम इसको निकाल के इस बर्तन में और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। एक घंटे फ्रिज में कीमा हमें रखने के बाद ये कीमे के लिए देखें थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो अभी हम इसके सीख कबाब बनाएंगे। सीख में लेके आए और ये ऑयल है, अभी इसमें हम सीख कबाब बनाते हैं। 1 घंटा इसलिए रखते हैं कि थोड़ा इसको रेस्ट मिले। Thank you.
सा इस तरह फिक्स। सही शेप बन गई। अभी हम इसको आराम से हम इस तरह से निकाल इसी तरह मैं ट्रे बना के फिर मैं आपको बताती हूँ कि 1 किलो कीमे के कितने कबाब बने। ये तकरीबन 2 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं आप लोग, जब भी कभी लंच टाइम हो या कभी किसी को आना है तो फ्रीज लेते हैं से निकाल ग्रिल कर लिए या फ्राई बना लिए। मिलेंगे तो इन शाला याद रखें इन शाला। ओके, अल्लाह हाफिज़।